सदा सदा के लिए रहेगा। इसमें क्या प्रतिशोध, क्या किसी को दुख पहुंचाने की भावना? यदि ये आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल सा वृक्ष बो रहे हैं, ये स्मरण रखिएगा। क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की ये भावना, ये वो बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर बनेगा, आप ही के मन में एक विशाल सा वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका था, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी, ये वृक्ष आपका है तो इसका फल भी आप ही को मिलेगा, जो ग्रहण भी आप ही को करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा में देना चाहता, उसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलती। यदि इसी स्थान पे आप ये सोचो कि मैं किसी को सुखी करना चाहता, किसी को सुख देना चाहता, तो इसका भी बीज आपके मन में ही उतरेगा, ये भी वृक्ष ही बनेगा जिसका फल आप ही को मिलेगा। बात यहां आती है बस सोच की, सोच जो सच बनकर सामने आती, तो ये सोच शुभ रखिए, सबके लिए हित ही चाहे, चाहे किसी और के मन में आपके लिए कुछ अच्छा हो ना, आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करती जाइए, आपके साथ भी अच्छा ही हो। तो आई और मेरे साथ प्रेम से कही राधे राधे। जन्मदिन पर मुझे एक वर चाहिए, मैं चाहता हूँ।